आइए मिस ज़ेबा, प्लीज बैठे। थैंक यू सर। ज़ेबा, आप जानती तो है ना मैं कौन? सर, आपको कौन नहीं जानता? लेकिन हम तो आपको नहीं जानते, आपके नाम के अलावा। जी सर। ये सर आपने क्या लगाई हुई है? प्लीज मुझे सुफियान कहकर बोलो। सर, आप बुरा ना माने तो मैं आपको सर ही कहूंगी। कोई खास वजह थी जो आपने मुझे बुलाया? हाँ, मैं ये कुछ रिपोर्ट्स देख रहा था। ये लास्ट जनवरी की रिपोर्ट है। हाँ, इन्हीं के अंदर मैं कुछ अकाउंट्स की फिगर्स देख रहा था। शायद आप किसी दूसरी रिपोर्ट की बात कर रहे हो। ये वो वाली जो एडवर्टाइजमेंट के लिए भेजी थी, इसमें कोई अकाउंट्स फिगर्स नहीं है। अगर आप बुरा ना माने और कुछ और पूछना ना हो तो मैं जा सकती हूँ। नहीं, आई डू हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। जी सर। क्या आपको आतिफ असलम पसंद है या अली जफर? मैं सिर्फ आपदा प्रवीण को सुनती हूँ। ज़ेबा, कल रात आपदा प्रवीण का कॉन्सर्ट जिमखाना के अंदर है। अगर आप चाहें तो मैं आपको दो टिकटें ला के दे दूँ। सुनते सुनते मेरा सब्र तो खत्म हुआ। बस बातें बहुत हुई, अब तो प्यार का वक्त हुआ। Yeah.
सुफियान, तुम्हारा सारा बचपन तो लाहौर में गुजरा होगा। हाँ, मैंने लाहौर में बहुत वक्त गुजारा है, लेकिन मैं अपने गांव में बहुत जाया करता था। जैसे ही गर्मियों की छुट्टियां होती थी ना, मैं गांव के लिए निकल जाता था। उधर बहुत ज्यादा शुगर लगता था। शुगर? वैसे क्या शुगर लगाते थे? शुगर क्या बताऊं मैं तुम्हें शुगर के बारे में, वही सब जो अमीर माँ बाप की बिगड़ी हुई औलाद करती है। मौकिन, इसमें तुमने चीनी डाली है? डाली थी। तो ये कड़वी क्यों है इतनी? तुम्हें मैं हमें चीनी ज्यादा पीने की आदत है, इसीलिए तो इतना मीठा हूँ मैं। कोई बात नहीं, मैं चीनी लेकर आती हूँ। वैसे तुम्हारा कोई निकने नहीं था जिससे लोग तुम्हें बुलाते हो? हाँ, कहते तो थे लेकिन अभी मुझे याद नहीं आ रहा। कहीं छोटे ठाकुर तो नहीं कहते थे? हाँ, ज़ेबा। 17 साल पहले तुमने मेरे बाप को मारा था छोटे ठाकुर। तुम हमें भूल सकते हो, पर हम तुम्हें कैसे भूल सकते हैं छोटे ठाकुर? और औरत कभी नहीं भूलती। Why this story? Any particular reason? Why did you take up this storyline? Yeah, basically, there's very specific reason for that, which was, I think, like, for my generation and subsequent ones, I worked with a very basic premise that hamari do kisam ki film hoti, you know, I knew of, for example, there's like the Sultan Rahi sort of action flick, and you know, Waheed, Murad or Nadeem and you know, Shabnam and stuff like that, that a romantic kind of story. So I just want to take these two staples and see if I could, you know, make the narrative work together, though different kisam ki stereotypical images there. And so one reason called Sasti Masti is because the musty bit is the first half of the film works with the conventions of Uttuk's stereotypes, so the good guy meets the bad at the boy and girl in love, and the second half it seeks to support those expectations. Emma, thank you very much for letting us screen the film here, and thank you. And a lot of people came and they really enjoyed the film. So thank you so much for creating it. Keep making movies like that. And take care of yourself. Thank you so much. Thanks a lot. Okay, Emma. Take care.